हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले आई हूँ अपने गार्डन में। इसका रिव्यू करने वाली हूँ कि मई महीने की सब्जियाँ ऑलमोस्ट मैंने उगा दी थी, तो वो देखते हैं कितनी बड़ी हो चुकी हैं बेलें। सबसे पहले आ जाते हैं हम कड़ी पत्ते पे। ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये तो मेरे बगीचे की रौनक है, हर टाइम ये हरा भरा रहता है। हम सब्जियों में या फिर कोई भी डिशेस बनानी होती है तो हम इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। तो सेकंड है हमारा जैस्मिन का पौधा, इसको भी फूल आने शुरू हो चुके हैं, देख सकते हो बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं इसके। तो ये जैस्मिन का पौधा है। ये अरबी के पत्ते, मैंने अरबी उगाई थी, इसके हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो ये अरबी के पत्ते भी हमारे अब हो चुके हैं बड़े, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम रेसिपी शेयर करेंगे। और तो ये डेकोरेटिव पौधा है, ये पत्थरचट्टा का प्लांट है। और ये पालक अभी भी हमारी मई महीने में हरी भरी है, कई बार हमने सब्जी बना ली है, परांठे बना लिए हैं, तो ये पालक है। अब आ जाते हैं फाइनली पपीते का, जो पौधा अपने आप ही उग गया था हमारे घर पे। पपीता खाया हमने, उसके बीज फेंक दिए, तो यहाँ पर पपीते का एक खेत ही उग गया। तो एक ये छोटा पपीता है और दो तीन पपीते के पौधे हमने किसी को दे दिए थे, और एक ये पपीते का पौधा, इसको भी छोटे छोटे पपीते लगे हुए हैं। तो ये देखिए फ्रूट अपने आप ही, ये जो चीज़ पक के ऑर्गेनिक तैयार होती है तो उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। बहुत अच्छा ये पपीता है, तो साइज़ में छोटा लेकिन आम की तरह लग रहा है ये। तो ये भी पक चुका है, एक दो दिन में इसको भी तोड़ लेंगे, बाकी पपीते भी तैयार हो रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये हमने जामुन का पौधा लगाया था, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखिए। ये है गुलाब का पौधा, इस पर भी बहुत सारे गुलाब आए हुए थे, गर्मी के कारण थोड़े कम हो गए हैं। ये भी गुलाब का पौधा है। ये जैस्मीन हैबिकस के फ्लावर हैं, ये शाम को ऐसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं अपने आप, इसको भी फूल आने शुरू हो चुके हैं। अब पूरा साल ये पौधा हमें फूल देता है मंदिर चढ़ाने के लिए। ये थोड़ा सा मनी प्लांट मैंने नीचे ज़मीन पे लगा दिया था। ये धनिया भी होना शुरू हो चुका है, धनिया का बीज भी ऐसे ही गिरा दिया था, मुझे शौक़ रहता है बागबानी का। तो ये देखिए, चार पांच पत्ते भी आप सब्ज़ी में डाल लो तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये एक आम का पौधा है, अभी अभी हमने लगाया है। ये अमरूद का पौधा है, इसको भी फ्रूटिंग आनी अब शुरू हो चुकी है, बहुत सारे ढेर सारे अमरूद इसको लगते हैं, अब सीजन में बहुत सारे अमरूद इसको लगने वाले हैं। ये मेरे बगीचे की खुशबू पुदीना, पुदीना भी मैंने उगाया हुआ है। ये टमाटर का पौधा अपने आप उग गया था, ये थोड़े दिन पहले हमने मिर्ची के पौधे लगाए थे, ये भी बड़े हो रहे हैं अभी। ये भिंडी के पौधे हैं, ये भी ग्रो होने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी सब्जी लगने वाली है इस बार हमारे गार्डन में। एक और ये पपीते का पेड़ है, इसको अभी दो ही पपीते लगे हैं, वो भी छोटे छोटे। ये मैंने बेल्स लगाई थी घिया की, ये घिया की है, दोनों तीनों बेल घिया की है। और ये फलियां होती, जो फ्रासविन की फलियाँ होती हैं, वो भी काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं। अब थोड़ी और बड़ी होंगी तो यहाँ से हमने लकड़ी को ज़मीन में गाड़ के उस पर रस्सियाँ बांध देनी है, तो बहुत सारी फलियाँ इस पर लगती हैं, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये एक प्लास्टिक का ड्रम है, इसमें मैंने मनी प्लांट थोड़ा सा दो तीन टहनियाँ लगा दी थी, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। ये अनार का पौधा है, इसको भी एक दो साल में अनार लगने शुरू हो जाएंगे। ये है नींबू का पौधा, ये भी पपीते का पौधा है, ये थोड़ा ख़राब हो चुका है लेकिन अब ये दोबारा से ठीक होना शुरू हो चुका है। तो ये है करेले की बेल, ये भी हमने रस्सी बांध के इसको ऑर्गेनाइज कर देना है, ये भी मनी प्लांट उग चुका है, ये भी करेले की बेल। और ये है हमारा एलोवेरा, तो ये भी हम जेल वगैरह इसका बनाते रहते हैं। ये आड़ू का पौधा है, ये भी दो साल हो गए हमें इसको लगाए हुए, इसकी भी फ्रूटिंग अब अगले साल शुरू हो जाएगी।
काफ़ी हरा भरा है ये भी। तो गाइस देखा आपने कितना अच्छा ये गार्डन है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है, सब कुछ हमने इसमें उगा रखा है। तो अब जब बेलों को सब्जियां लग जाएंगी तब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये मई महीने की सब्जियां जो उगाते हैं उसका रिव्यू मैंने किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।